सेवेंथ क्वेश्चन, भारत सेवन क्वेश्चन, हमें P1, V1, T1 से कुछ एक्सपांशन दे रखा है और अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग चीजें इंफॉर्मेशन है। देखें, सेवन का ए ऑप्शन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, ग्रेटर नेगेटिव स्लोप, आइसोथर्मल एक्सपांशन, लेस नेगेटिव स्लोप, किस में, दोनों में गैस वर्क कर रही है। हमसे ही पूछा है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस विल बी मोर फॉर आइसोथर्मल एंड वर्क डन बाय द गैस विल बी लेस फॉर एडियाबेटिक। किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आ रहा है? आइसोथर्मल का। किसका एरिया अंडर द कर्व कम आ रहा है? एडियाबेटिक का। दोनों में वर्क नेगेटिव, बट क्वेश्चन पूछा ही गया है ना वर्क डन बाय द गैस, तो फिर हमें को पॉजिटिव साइन के साथ रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज कंपेयर टू दैट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज लेस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट ओके समर्थ एंड साक्षी? यस। बी ऑप्शन पे दिया मैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली with T1 equal to T2 and positive is expanded reversibly under adiabatic condition where T1 is not equal to T2. देखो, यदि हम adiabatic condition की बात करेंगे, अभी नीचे लिखा हुआ है, adiabatic में Q0 cost of thermodynamic expansion है तो work negative, तो internal energy change negative होगा, delta T will be negative. यहाँ पे positive दे रखा है, which is not correct. Clear? तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इंटरनल चेंज पॉजिटिव दे रखा है उन्होंने। सी ऑप्शन, इफ एक्सपांशन इज कैरीड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। यस, यदि एक्सपांशन फ्री होगा, फ्री मतलब वैक्यूम के अगेंस्ट, सो वैक्यूम के अगेंस्ट होगा वर्क डन जीरो, वर्क डन के साथ साथ इंटरनल चेंज भी जीरो, डेल्टा टी जीरो, क्यू भी जीरो, सब कुछ जीरो होगा ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम। ये लिखा है अभी, तो आइसोथर्मल रेडियाबेटिक दोनों में सेम आता है, क्यू बी जीरो, डेल्टा टी बी जीरो, रेडियाबेटिक भी, आइसोथर्मल भी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन, द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम दिस टू दिस। देखो, अब कंप्रेशन की बात करें हम, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन हो गया, हम यहां से ए से बी पर जा रहे हैं, तो वर्क आया है कुछ इतना वर्क। क्लियर? अब इरिवर्सिबल कंप्रेशन में हमें एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा रखना होगा, कंप्रेस करने कितना रखना होगा, जितना फाइनल प्रेशर है, तो पी एक्सटर्नल इतना हो जाएगा। और यदि तुम इसको वर्क को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, तो कंप्रेशन में जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, पी एक्सटर्नल दिस डेल्टा बी दिस, उसमें इतना एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है। और तुम ऐसे ही सोचो, वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी डीवी, कंप्रेशन है तो तुमने सडनली जो पी है उसको एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा रखा है हमेशा के लिए, और एक बार है तुम धीरे धीरे उसे बढ़ा रहे हो, जब धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वर्क कम, और सडनली जब ज्यादा रखोगे तो वर्क ज्यादा। क्या इतना समझ में आता है? डी इज करेक्ट। क्लियर है?
नेक्स्ट पार्ट टू जेई मेन्स ऑफलाइन, पार्ट टू जेई मेन्स ऑफलाइन, प्लीज टाइप योर डाउट इन चैट बॉक्स। किसी का डाउट नहीं, जेई मेन ऑफलाइन तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं, जेई मेन ऑनलाइन पेज नंबर 51 एंड 52। सेकेंड क्वेश्चन जेई मेन ऑनलाइन पेज नंबर 51। अ गैस अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इन द प्रोसेस, द हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द गैस इज दिस एंड दिस। कुछ गलत दे रखा है इसका आंसर। Now gas is brought back to A by another process during which T2 of heat is the water. This is minus 3. In this process, B2A, 10 joule of work will be done. 0 joule आ रहा है work, तो work equal to delta E minus Q. Something is wrong. Answer third दिया रखा है। वो कुछ different दे रखा है। कुछ मिसप्रिंट है, जितना क्वेश्चन दे रखा है उसके आंसर, उसके अकॉर्डिंग आंसर जीरो आएगा। फर्स्ट वर्क डन बाय द गैस दिया है तो माइनस 8 जूल ले लिया हमने, हीट एब्जॉर्ब किया है 5 जूल, तो डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस 3। जो हम बी से पे जाएंगे तो हीट इवॉल्व हो रही है माइनस 3 जूल, क्लियर। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हम ए से बी पे जाएंगे। अच्छा हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सर वो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस भी होगा, अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड, जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस रहेगा। बर्डन विल बी डेल्टा ई माइनस क्यू, डेल्टा ई विल बी 3 माइनस ऑफ 3 प्लस 6 जूल, वर्क डन ऑन द गैस विल बी 6 जूल, प्लस आ रहा है वर्क डन तो सिस्टम पे वर्क होगा, सराउंडिंग वर्क करेगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यदि ए से बी का डेल्टा ई माइनस 3 से 3 है, बी से ए का डेल्टा ई प्लस 3 हो जाएगा। Is that okay now? Any other doubt in JEE Main online? Sir, one bar equals to कितना होता है?
क्या? वन बार प्रेशर. गैसेस स्टेट में ही पढ़ा है सर. अप्रोक्स 1 atm होता है ना. 1 bar is almost equal to 1 atm. थोड़ा सा डिफरेंस होता है. 1 atm होता है 1.01 10 to the power 5 और होता है 10 to the power 5. अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 1 bar 1 atm. चलो सेकंड एंड थर्ड लॉ पे चले एक्सरसाइज 3 पर. सेकंड एंड थर्ड लॉ एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 61-62 पार्ट 1. पेज नंबर 61-62 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 डाउट. अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन. चलो ये कुछ क्वेश्चंस आए. क्वेश्चन नंबर 2, 6, 12 पेज नंबर 61 और 62 इसी ऑर्डर में मैं करने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 हमें K दे रखा है दो अलग टेम्परेचर पर. इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर K इज डिक्रीजिंग. K पहले था 4 × 10⁻⁶, पर बाद में हो गया 41. इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इफ N2 इज एडेड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. According to second law of thermodynamics, the entropy must increase in the direction of a spontaneous reaction. Single correct है, more than one correct है, क्योंकि most appropriate option is single correct. Single correct है, single correct. Most appropriate. The condition for equilibrium is delta G zero. So delta G को zero करना है हमें second question में. इसका मतलब G of product 2 times of G of NS3 minus G of N2 minus 3 times of G of H2 is 0. Clear? So, isko 0 kya matlab? This equal to this plus this. B is correct. Clear? Sixth question. हमें दो रिएक्शन के डेल्टा जी नॉट दे रखे हैं. यदि डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो मतलब चेंज खुद से होगा और ग्रेटर देन जीरो मतलब चेंज खुद से नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट केस में जहां पे डेल्टा जी लेस देन जीरो है पीबी का प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है. सेकेंड केस में जहां पे डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट नहीं बनेगा. यदि डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल. डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन होगा प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल. तो लेड के लिए प्लस 2 मोर स्टेबल, टीन के लिए प्लस 4 मोर स्टेबल.
पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टेबल, सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट स्टेबल. इज दैट ओके? सिक्स्थ क्वेश्चन. क्या इतना क्लियर है सिक्स्थ क्वेश्चन में? अच्छा, मेरे पास जो बुकलेट है इसमें तो टोटल 9 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में. तुमने तो 12, 13 है. हमारे इसमें 13 है. फिर मेरे पास लास्ट ईयर का बुकलेट है तुम्हारे से एक साल पहले का, जिसमें 2018 तक की क्वेश्चन है. तो 9 के बाद 12, 13 भी है. मुझे पिक्चर सेंड करो कोई. साक्षी पिक्चर सेंड करो 12, 13 का, मुझे पता लग जाएगा. सर 11th भी. पिक्चर सेंड करो मुझे जल्दी से. ठीक है, आए. इलेवेंथ क्वेश्चन तो अभी के लिए छोड़ दो ना, वो बाद में बताऊंगा मैं. ट्वेल्थ में एक हेडिंग आएगा, उसके बाद समझ में आएगा. ट्वेल्थ क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ए इज इन इक्विलिब्रियम विद पी, द प्लॉट्स ऑफ ए वर्सेस पी विद टाइम एट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज गिवन बिलो. हमें ए का और पी का ग्राफ दे रखा है. ठीक है, thank you.
देखो अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स दोनों का एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो हमें उस ग्राफ से यह समझ में आ रहा है कि जो रिएक्टेंट है, तुम देखो कि रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ रहा है हायर टेम्परेचर टी टू पर। क्लियर? तुमने टेम्परेचर टी वन से टी टू किया, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट कम हो रहा है, प्रोडक्ट की लाइन नीचे सेफ्ट हो रही है, रिएक्टेंट की लाइन ऊपर सेफ्ट हो रही है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ए इज इंक्रीजिंग, प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहा होगा। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, टी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा और टी कम हो जाएगा। हमें ये पता लगा सबसे पहले। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है ln k1 by k2 is greater than t2 by t1, t1 को मल्टीप्लाई किया, t1 ln k1 is greater than t2 ln k2, यहां से हमने t ln k को रिप्लेस किया, डेल्टा g by r for 1, डेल्टा g by r for 2, r को कैंसिल कर दिया, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये प्लस, साइन इन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज की है, -3 इज ग्रेटर देन -5 बट p इज लेस देन 5। जब तुम माइनस साइन को हटाओगे तो साइन अपोजिट हो गया। क्या मतलब? टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेल्टा जी बढ़ रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कब बढ़ेगा? जब यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाए, यदि ये दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा जी विल इंक्रीज, सो डेल्टा एच नेगेटिव आ गया। कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसका आंसर? ए और ए एंड सी सर। ठीक है, अच्छा इसमें ए वाला तो हमने खैर लिख दिया, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, सी ऑप्शन में डेल्टा एच नेगेटिव वो भी हमारे पास, सी ऑप्शन में डेल्टा जी नेगेटिव, ये कैसे प्रिडिक्ट किया हमने? डेल्टा जी नेगेटिव ये कैसे प्रिडिक्ट किया गया? क्या हमें वहां टाइम के साथ ग्राफ दे रखे हैं कंसंट्रेशन इज चेंजिंग? यदि रिएक्शन नहीं होता स्पॉन्टेनियस, इफ दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, डेफिनेटली वो जो ग्राफ हमें दे रखे हैं वो होते ही नहीं, कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं होता। रिएक्शन हो रहा है तभी तो टाइम के साथ ग्राफ बन रहे हैं, वो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दैट मींस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, इज दैट ओके? चले आगे। थर्टींथ क्वेश्चन, थर्टींथ क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, कर रहा हूं मैं बोर्ड पर सॉल्व वो भी। नहीं ये नहीं हो पाएगा, इसमें पीएच का यूज आया है। एक मिनट, अभी के लिए क्वेश्चन छोड़ दो, 13th क्वेश्चन 12th में आएगा, 12th में तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा ये क्वेश्चन, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन इज ऑफ नाउ। हाँ समर्थ, 8th क्वेश्चन भी बताना है। हाँ सर, यही क्वेश्चन है, द कंबशन ऑफ बेंजीन। नहीं सर, वो H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है।
H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मेरे पास जो क्वेश्चन है एट क्वेश्चन NO plus auto giving NO2 नहीं सर ये नहीं पिक्चर सेंड करो फिर मुझे एक मिनट कंफ्यूजन हुआ। हाँ H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस ठीक है मैंने वो जे मेन वाला क्वेश्चन दे दिया था। Eighth question, for the process H2O liquid giving H2O gas at 100 degree Celsius and 180 atm pressure, the correct choice is, देखो, 100 degree Celsius है, 180 atm है, मतलब equilibrium condition है, clear? क्या हम ये बोल सकते हैं, liquid से यदि gas में गए हैं, तो delta S positive होगा, liquid से gas में जब भी conversion होगा, तो entropy change greater than zero. अब हमारे पास एक और ये फॉर्मूला है डेल्टा एस टोटल फॉर इक्विलिब्रियम विल बी जीरो। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग होता है माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। यदि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? हां सर। कंप्लीट हुआ पार्ट टू पे चले अब हम। चलो पार्ट टू ऑफलाइन। पार्ट टू ऑफलाइन ये है पेज नंबर 63-64 पर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये तीन क्वेश्चन आए हैं और कोई क्वेश्चन नहीं है ना इसमें से। पार्ट सर क्वेश्चन नंबर 6 चलो इसी ऑर्डर में कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 63 से स्टार्ट कर रहे हैं। 63 पे तो एक ही क्वेश्चन है वो नहीं डाउट है। पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 2 इन कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन फ्रॉम दिस टू दिस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट आर गिवन। अज्यूमिंग डेल्टा एच नॉट डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर अबव व्हिच कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन विल बी स्पॉन्टेनियस। किस तरह होता है सेकंड क्वेश्चन। नाम बताओ किसका राउट है सेकंड। बोलो जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। साक्षी हमारे पास एक रिलेशन है स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। क्लियर? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी को लेस देन जीरो करना है। यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों दे रखे हैं। yes, sir. टेम्परेचर का कंडीशन पूछ रहा है हमसे। हो जाएगा क्या भी ये क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना है कोई किलो जूल में तो उसे जूल में कन्वर्ट कर लेना, मतलब टेक एवरीथिंग इन सिमिलर यूनिट। यदि सबको किलो जूल या सबको जूल ट्राई करना हो जाएगा वो। थर्ड क्वेश्चन इसमें डेल्टा जी जीरो होगा। इसमें डेल्टा जी जीरो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच क्वेश्चन में दे रखा है और डेल्टा एस के लिए तुम्हें 60-40-50 दे रखा है। डेल्टा एस में कैलकुलेट करके बता दो एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट xy3 का एंट्रोपी है 50 माइनस एंट्रोपी ऑफ हाफ ऑफ x2 60 by 2 क्योंकि coefficient 2 है ना यहाँ पर डिवाइड डिनोमिनेटर
देन y2 का है 40 और उसमें मल्टीप्लाई हुआ 3/2 का, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3/2 है। तो ये डेल्टा एस आ गया, हां डेल्टा एस रखना, डेल्टा एस क्वेश्चन में दे रखा है, बस ये ध्यान रखना इसको किलो जूल और इसको जूल ऐसा नहीं करना, इसको भी किलो जूल या इसको जूल में कन्वर्ट करो तो ये भी जूल में हो जाएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल और ग्रेटर देन जीरो मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, ठीक है। सिक्स जिसका भी डाउट था चेक करो, फर्स्ट केस में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है PbO और सेकंड केस में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है SnO2, Pb का +2, 3 का +4 स्टेबल। सर मतलब जिनका एंट्रोपी ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं क्या? एंट्रोपी की क्या, क्योंकि यहाँ पे तो डेल्टा जी, सर ये यहाँ पे तो डेल्टा जी पॉजिटिव है ना सेकंड में, तो मतलब डेल्टा एस नेगेटिव होगा। एक मिनट ऐसे नहीं देखते, मैं ऐसे बी पे गया, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब चेंज खुद से हो रहा है, चेंज खुद से हो रहा है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बन रहा है, ये ज्यादा स्टेबल, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब खुद से नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट लेस स्टेबल, रिएक्टेंट मोर स्टेबल, ऐसे सोचना है, ठीक है। एट क्वेश्चन, देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, केपी भी दिया है क्वेश्चन में, माइनस आर टी एल एन के पी इज इट इज डेल्टा जी फॉर द स्टेशन टू टाइम्स ऑफ एनओ टू माइनस टू टाइम्स ऑफ एनओ माइनस वन टाइम्स ऑफ ओ टू, ओ टू स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंटल स्टेट जीरो, डेल्टा जी फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा जी फॉर्मेशन दोनों जीरो। अब हमें ये दे रखा है एनओ का वैल्यू कितना दिया है 86.6 और ये कैलकुलेट कर पाओगे अभी सोल्व, ये जूल्स में तो इसे भी जूल्स में रखना, बस का ध्यान रखना 86.6 इनटू 1000 कर देना, हो जाएगा। यस सर। नाइंथ क्वेश्चन, नाइंथ क्वेश्चन में डेल्टा एच पूछा है और डेल्टा ई दे रखा है। For chemical reaction, we need to use this formula: C6H6 liquid plus O2 gas giving 6CO2 gas plus 3H2O liquid. O2 को balance करोगे 15/2. So इसमें delta NG आएगा 6 minus 15/2 minus 1.5.
अब करना क्या है, डेल्टा गिवन हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दे रखा है -3263.9, इसको किलोजूल में दे रखा है। डेल्टा एनजी का वैल्यू -1.5 रखना, आर का वैल्यू, टी का वैल्यू से 1000 से डिवाइड कर देना ताकि ये भी किलोजूल आए, हो जाएगा 9 क्वेश्चन। हर्षवर्धन चलो जेई मेन ऑनलाइन पेज नंबर 64, 65, 66 ऑनलाइन, यू कैन टाइप इन चेक बॉक्स, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर फिफ्थ देखो, हमें इस क्वेश्चन में डेल्टा जी दे रखा है, सॉरी इन दोनों का डेल्टा जी फॉर्मेशन दे रखा है। डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर द रिएक्टेंट, तो डेल्टा जी आ गया। एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू -RTLnKP, केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस अपॉन प्योर लिक्विड वन, यहाँ पे रख देना पार्शियल प्रेशर जो कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी नॉट कोटा यहाँ से रखो, आर टी से डिवाइड करो और सोल्व करो, हो जाएगा भी ये। और कोई डाउट? सर एट द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg आइस टू वाटर वेपर इज, ये क्वेश्चन तो मुझे क्यों ध्यान है, मैंने क्लास में कराया है। 27 मैं करता हूँ बोर्ड पे वापस, 273 केल्विन पे 1 kg आइस से 383 केल्विन पर वाटर वेपर है। क्या मैंने वो केस कराया था आइस 200 केल्विन टू 400 केल्विन कराया था आपने? हां सर, हां सर, हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है आइस दे रखा है, वाटर दे रखा है, आइस व्हाट आइस स्टार्ट करो केल्विन से, क्लियर, इसे कन्वर्ट करो आइस से सबसे पहले वाटर में 273 केल्विन पर, फिर इसे हीट करो 373 तक, और फिर इसे स्टीम में कन्वर्ट करो 373 पर, फिर इसे हीट करो स्टीम को 383 पर, 1+2+3+4, और इनका होगा डेल्टा एच फ्यूजन बाय मेल्टिंग पॉइंट MCLn T2/T1, इसका होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका होगा NCVLn T2/T1 + NRLn V2/V1, तो V2 by V1 की जगह P1 by P2 कर देना, और प्रेशर सेम दे रखा है नहीं हमेशा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा भी ये क्वेश्चन। हाँ सर, एनी अदर डाउट? सर 12th
ट्वेल्थ देखो हमें टी दे रखा है, ऑप्शन से जाओ, यहां पे टी को 280 रखो, या एक काम करो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर निकाल लो सबसे पहले, डेल्टा जी इक्वल टू 120 माइनस 3/8 टी, तो इसको जीरो से इक्वेट करो, टेंपरेचर निकालो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर 120 इंटू 8 बाय 3 अब टेम्परेचर 320 केल्विन है तो इक्विलिब्रियम 320 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी प्रोडक्ट बनेगा तो 320 से ज्यादा है तो y 320 से कम है तो x डेल्टा जी नेगेटिव मींस प्रोडक्ट विल बी देयर डेल्टा जी पॉजिटिव मींस रिएक्टेंट विल बी देयर रिएक्टेंट विल बी मोर स्टेबल हो जाएगा 12 जिसका भी डाउट था हाँ सर और कोई डाउट इसमें कंप्लीट थर्टीन तो थोड़ा अलग है वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताना है तो 13 को से डिलेट करना है तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी ठीक है चलो ठीक है इसका थर्मोकेमिस्ट्री वाला मैं फिर अभी नहीं करा रहा हूं थर्मोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज 3 कर लेना और एक्सरसाइज 2 भी फिर पहले एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 जैसे जैसे टाइम मिलता वो भी कर लेना वो भी हम डिस्कस करेंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर से 12th भी स्टार्ट करूंगा या एक्सरसाइज 3 डिस्कस करने के बाद जो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज दैट ओके कौन सा सर चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आयोनिक 12th में होगा ना बट वो फर्स्ट चैप्टर नहीं आया अभी बाद में आएगा 12th में प्लानर भी कोटा से आने वाला है वो भी शेयर किया जाएगा तुम्हारे साथ आई एम एंडिंग द सेशन नाउ